नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य और सफाई को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की निगम में बनी मेयर शेली ओबेरॉय आजकल अलग अलग वार्ड का दौरा कर रही हैं और साथ ही साफ सफाई को लेकर बड़ा अभियान चला रही हैं। इसी दिशा में काम करते हुए अमन विहार इलाके में कूड़े घर को हटाकर एक लाइब्रेरी बनाई गई है। दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े की बड़ी समस्या रही है। यहाँ अलग अलग पार्टियां हमेशा से साफ सफाई का मुद्दा उठाती रही हैं। किराड़ी स्थित अमन विहार में अत्याधुनिक पुस्तकालय बनाया गया। इसका निर्माण कूड़े के घर को हटाकर किया गया। यहाँ पर कूड़ा पड़ा रहने से इलाके के लोगों को दिक्कत होती थी, जिसकी शिकायत कई बार की गई। अब कूड़े को हटाकर 100 गज से अधिक क्षेत्रफल में लाइब्रेरी बनाई गई है। अब इसे जल्द ही बहुमंजिला भी किया जाएगा। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शेली ओबेरॉय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ढलाव को हटाकर लाइब्रेरी बनाई गई है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। पहले यहाँ से निकलने वाले लोगों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता था। वो कूड़ा घर यहाँ की पहचान बन चुका था, लेकिन अब ये लाइब्रेरी क्षेत्र के लोगों की पहचान बनेगी। रियो में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप में निश्चल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता। भारत का इस वर्ल्ड कप में दूसरा मेडल है। इससे पहले 10 मीटर राइफल में विमेंस में भारत को गोल्ड मेडल मिला था। निश्चल का ये सीनियर वर्ग में पहला वर्ल्ड कप है। निश्चल ने फाइनल में 458 का स्कोर बनाया। पहले नंबर पर रही नॉर्वे की एसजीनत है, जिन्होंने 461 का स्कोर बनाया और गोल्ड मेडल जीता, जबकि डेनमार्क की स्टेफनी ने 447.6 के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। नॉर्वे खिलाड़ी ट्विस्टेड एयर राइफल यूरोपियन चैंपियन है, साथ ही वो 300 मीटर थ्री पोजीशन की भी वर्ल्ड चैंपियन रही है। वो वर्ल्ड कप में 5 गोल्ड सहित 12 मेडल जीत चुकी है। टोक्यो ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही थी। क्वालिफिकेशन राउंड में निश्चल ने 592 अंक के साथ फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी की थी, जबकि अन्य भारतीय शूटर अंजुम और आयुषी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। अंजुम 586 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में 10वें स्थान पर रही और आयुषी 580 अंकों के साथ 35वें स्थान पर। फाइनल राउंड में निश्चल और ट्विस्टेड आमने सामने रही। 45 शॉट के फाइनल में कभी ट्विस्टेड को तो कभी निश्चल पहले स्थान पर रही। पहले घुटने पर बैठकर निशाना साधने में 15 शॉट के बाद निश्चल 0.1 से ट्विस्टेड से पीछे रही। उसके बाद जमीन पर लेटकर निशाना साधने में 15 शॉट के बाद भी वो दूसरे स्थान पर थी। सीधा खड़े होकर निशाना साधने में उतार चढ़ाव रहा। दोनों का एक एक शॉट अमान्य घोषित किया गया। नॉर्वे शूटर की 41वें शॉट को और निश्चल के 42वें शॉट को रद्द कर दिया गया। इस स्कोर को उनके फाइनल में नहीं जोड़ा गया। आखिरी शॉट में निश्चल ने 7.9 का स्कोर किया, जबकि ट्विस्टेड ने 10.2 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दिल्ली सरकार शहर के प्रसिद्ध बाजारों को एक ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जल्द ही दिल्ली बाजार नामक एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित अपनी तरह की इस पहली पहल का उद्देश्य दिल्ली के बाजारों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। ये राष्ट्रीय राजधानी में व्यापारियों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करेगा। केजरीवाल का मानना है कि देश में कई पहलुओं में चीन से आगे निकलने की क्षमता है और इस पहल से व्यापारियों और उद्यमियों को इसे हासिल करने में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से निकलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकारी प्रणाली को सरल बनाएं और अपने व्यापारियों और उद्यमियों को अवसर प्रदान करें तो हम निसंदेह चीन से आगे निकल सकते हैं। सरकार वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली बाजार वेब पोर्टल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की योजना बना रही है। लॉन्च के 6 महीने के भीतर दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली के 1 लाख से अधिक स्टोर्स को शामिल करना है, जिससे उन्हें 24 घंटे संचालित होने वाला डिजिटल स्टोर फ्रंट उपलब्ध कराया जा सके। ये एक यूनिक वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा, जहां खरीदार शहर के प्रसिद्ध और पड़ोस दोनों बाजारों का पता लगा सकते हैं और उपलब्ध उत्पादों को खोज सकते हैं। इसके अलावा अलग से प्रसिद्ध दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तरह एक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल पर भी काम चल रहा है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।
और फीडबैक हमें info@chessbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।